किसी भी बॉलीवुड फिल्म में एक हीरो होता है और एक विलन होता है, लेकिन हमारे अगले परफॉर्मर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, क्योंकि वो दिखना चाहते हैं विलन जैसे ताकि उनका रौब सब पे पड़े, लेकिन उनके अंदर छुपा है एक ऐसा इंसान जो किसी हीरो से कम नहीं है। क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी श्वेता। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शंकर के शौर्य फ्रॉम पाकिस्तान, लतीफ अली खान। खान साहब, आज तो खान साहब कम और चौधरी साहब ज्यादा लग रहे हैं, क्या चक्कर है? असल में आज मेरा जो सॉन्ग है वो है ही सिंग इज किंग। लेकिन सिंग नहीं लग रहे आप, किंग तो लग रहे हैं। वाकई आप किंग हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं और मेंटर्स हमारे सामने हैं। शंकर जी, क्या कहेंगे आप इनके लिए? यार इसको लगता है इसके लुक्स पे ही आज 10 पॉइंट्स देने चाहिए हम लोग, है ना? लग रहा है डांस भी करने वाले हो? डांस करवाने वाला हूँ। अरे ये यार ये हो गया, इज रेडी फॉर द वर्ल्ड नाउ। पक गया। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट लतीफ मियां। गुड लक। लेकिन सब में बस एक किंग, फेस भी हम हैं, बेस भी हम हैं और जिगर में है डेरे। एक कलर में 13 पत्ते, लेकिन सब में बस एक किंग, फेस भी हम हैं, बेस भी हम हैं और जिगर में है डेरे। हम करें दिल की जो मर्जी, कर दे सब हद कर दी, दिल अगर सच्चा हो रब सब कर दे सेटे। सिंग इज किंग, 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 सिंग इज किंग। मेरा नाम लतीफ बादशाह, मैं लेके आया नुक्कड़। मेरा नाम लतीफ बादशाह, मैं लेके आया नुक्कड़। सूरे आदा दुश्मन, सूरीले आदा फ्रेंड। मेरा नाम लतीफ बादशाह, मैं लेके आया नुक्कड़। वास्ते खुदा दे शर्म उत्ते कर, वास्ते खुदा दे शर्म उत्ते कर, ऐ बसूरे गाने गा के मेरा बीबी आई ना करो। बात है लतीफ, सिंग इज किंग, कमाल कर दिया यार तूने। थैंक यू सो मच सर जी। जजेस ने इतना अप्रिशिएट किया है, ये स्टैंडिंग ओवेशन जो था जी, ये बहुत दिल से निकला हुआ है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली फॉर द सिंगिंग, तो गाते अच्छे ही हैं, लेकिन फॉर द रैप जो उन्होंने नया इंक्लूड किया है और उसके साथ साथ उनका एटीट्यूड, क्या बात है सर जी। अच्छा ये रैप जो था ये कब बनाया, किस तरह बनाया? ये रैप ऐसे बनाया कि उस दिन हम रिहर्सल कर रहे थे ना इसकी, गुरुजी और संतोष जी हैं, कहते यार इसके अंदर कुछ रैप डालो। मैंने कहा पहले किया नहीं, लेकिन वो गुरुजी ने कहा, कहते यार अगर मैं ऐसे होता ना तो मैं ऐसे करता। उन्होंने एक अपना वो दिया, तो मेरे जहन में एक आया कि मैंने कहा एक थोड़ा दूसरों को मैसेज भी दे दें, क्योंकि आजकल गाने आपको पता है सर हर कोई कर देता है। तो उसके अंदर ये था, मेरा नाम लतीफ बादशाह, मैं लेके आया न्यू ट्रेंड, बसूरे आदा दुश्मन, सुरीले आदा फ्रेंड। बेसुरियां दा दुश्मन, सुरीलियां दा फ्रेंड, सुरीलियां दा फ्रेंड, फ्रेंड, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। आगे वास्ते खुदा दे कुछ शर्म ते करो, ए बसूरे गाने गा के मेरा बीपी आई ना करो। ये आपने लिखा है? जी सर। क्या बात है यार,
मतलब छुपे हुए कलाकार हो यार। मेरा नाल थी बादशाह मैं लेके आया नुट बसूरे आदा दुश्मन सूरी ले आदा फ्रेंड मेरा नाल थी बादशाह मैं लेके आया नुट वास्ते खुदा दे कुछ शर्म उत्ते कर वास्ते खुदा दे कुछ शर्म उत्ते कर ए बसूरे गाने गाके मेरा बीबी आई ना करो जी। आप कुछ कहेंगे? सर अब कहने को रह क्या बाकी गया, मतलब हम लोग खड़े हो गए, आप लोग डांस करते हुए आ गए, पब्लिक ने एंजॉय कर लिया, सीटियां मार दी, अब तो सिर्फ मार्किंग रहती है बाकी। जी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, और ऐसी ही दोस्ती की एक मिसाल कायम हुई है एशिया सिंगिंग सुपरस्टार पे। लेट्स वॉच इट। स्नेहा के साथ बहुत मजा आ रहा है। ये थोड़ा अपने मुल्क से दूर आया ना, इसलिए मैं उनको मस्ती करती रहती ताकि खुश रहे, कमी महसूस नहीं होने देती। बिल्कुल, यानी कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ है हमेशा। ओह थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह से लगता है हम के दोनों बहन भाई हैं, खाने की तरफ से भी। हाँ ये भी है। और गाने की तरफ से। इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है। और आप लोग मतलब लुक सो क्यूट यार, ये दोस्ती के लिए हम लोग प्रे करेंगे, हम लोग दुआएं देंगे। गॉड ब्लेस योर फ्रेंडशिप। और सर मैं आपको एक बात बताऊं कि इसकी जो हरकतें हैं ना, ये आँख ऐसे बंद करना, ठीक है। मेरी एक भतीजी है जिसका नाम अबीर है, वो डिटो कॉपी ये है, और यही हरकतें उसने बात करते हुए उसकी एकदम आँख बंद हो जाएगी, गाते हुए आँख बंद हो जाएगी। इस मौके पे तो मैं यही कह सकती हूँ कि ऐसी दोस्ती अगर हर शख्स जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहता है उनकी हो जाए तो फिर ये सरहद अपने आप मिट जाएगी। बिल्कुल। ये बताइए कौन सा ऐसा हीरो इंडियन इंडस्ट्री का है जो आप चाहते हैं कि उनके लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करें? मेरा एक मैंने सॉन्ग बनाया था जो मैंने सोचा था कि अगर अल्लाह पंचन पाक ने चाहा तो ये जो सॉन्ग है ये संजय जी के ऊपर आए तो बहुत अच्छा लगेगा। संजय दत्त की बात कर रहे हैं आप, कौन सा सॉन्ग था? हे फंटा डडा 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 चिग 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 मत करियो रे, हे फंटा चिग 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 मत करियो रे, क्योंकि यार यार ला अपना यार यार ला है, यार यार ला अपना यार यार ला है, हे फंटा चिक 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 चिक। यार ये बहुत कैची है, बहुत कैची है सर। थैंक यू सो मच लतीफ, बहुत एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।